हरदीप सिंह किंगरा दे निशाने दे खास तौर ते दुर्गेश पाठक रहे। किंगरा ने इल्जाम लगाया कि लुधियाना दी टीम दुर्गेश दी अपनी सी अते लुधियाना दा एक शख्स दुर्गेश नाल मुलाकात दे लई 5 लाख रुपए दी मंग करदा सी। नाल ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो पैसे दे दिंदा सी उसनूं लीडर बना दिता जांदा सी। नाल ही किंगरा ने यह भी इल्जाम लगाया कि उगराही दे लई दुर्गेश ने 52 लोगों की टीम बनाई हुई सी। सूबेदार सी या नायब सूबेदार सी वह सामिया भालदे सी, वह सामिया नूं बिठा लेंदे सी, उन्हां नूं कहंदे सी कि दुर्गेश पाठक दे नाल तेरी एक मुलाकात का 5 लाख रुपया, एक महीने का तेथों 5 लाख रुपया लवेंगे, तू कैश दे दी ते चैक दे दी भावें, जे कैश देगा तो वह ज़्यादा सानू सहूलियत होएगी। ये मैं थोनों ऑडियो सुना ये जिदे नैगोसीएशन हो रही है आते ने नैगोसीएशन च कि दुर्गेश पाठक के नाल जे तू मीटिंग करनी है किसी ने भी, यह नहीं कहा जाता कि तू करनी है, किसी ने भी करनी है तो 5 लाख रुपया महीना उस बंदे नू देना पवेगा। उदू बाद पैसे देने तो बाद उहदी लीडरी असी एस्टैबलिश करांगे उहदे नाल तुर के। जदों तू साडे नाल तुरेगा 5 लाख देण वालिया तां तेरी लीडरी आपे इत्थे एस्टैबलिश होजू। पंजाब दे विच लीडरी उहदी एस्टैबलिश हुंदी है जिहड़ा लीडरां दे नाल तुरदा है। जे तू अलोक वर्मे दे नाल तुरेगा तां तेरी लीडरी जिहड़ी है उह कायम होजूगी फतेहगढ़ साहब दे इलाके दे विच। यह जो अमरीश त्रिखा है ये दिल्ली से आया हुआ, दिल्ली से 53 आदमी आए हैं, 13-3-39, हर कंस्टिट्यूएंसी में 3 लोग हैं, 13 पार्लियामेंट की कंस्टिट्यूएंसी हैं, 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39 तो 39 हो गए, और 39 के 13 कोऑर्डिनेटर, 39 और 13 52, ये 52 लोग आए हुए हैं, और उनका जो सूबेदार मेजर है जो बड़ा वाला वो है दुर्गेश पाठक। तो किंगरा ने कहा कि पार्टी के लिए 23 लाख का फंड इकट्ठा किया गया जिस 5 लाख रुपए संजय सिंह ले गए। इस दे नाल ही HS किंगरा ने आम आदमी पार्टी के आगू आशुतोष नूं भी निशाने ते लिया। एक मैसेज है कि 5 लाख रुपया संजय सिंह ने कैश लिया। मैं फाइनांस कमेटी का चेयरमैन सी ते उहदे विच माघी दे मेले वास्ते 23,93,000 रुपये इकट्ठे किए थे साडी फाइनांस कमेटी के 11 बंदिया ने। ये सुरिंदर सिंह अरोड़ा नाँ के बंदे ने 6 लाख रुपया इकट्ठा किया, माघी वास्ते जी 6 लाख रुपया इकट्ठा किया। उस 6 लाख के सुरिंदर सिंह अरोड़ा ने मैनू कहा कि 1 लाख तो पार्टी के अकाउंट जमा हो गया तो 5 लाख संजय सिंह जी कैश लै गए। 16 लाख रुपया तरन तारण इकट्ठा करके इन्हों थैली भेंट की गई। आ थैली की तस्वीर मैं थोनों विखा, कोई बंदा यह कह दे भी ये थैली दे आ तस्वीर है उस थैली की, मैं थोनों सारे की ईमेल पर भेज देंगा तस्वीर। आ थैली भेंट की जा रही है आशुतोष नूं। हुण जे आम आदमी पार्टी वाले ये कह देंगे थैली दे विच तां वट्टे चट्टे सी, ते भाई फिर आशुतोष नूं फड़न की कड़ी लोड़ सी वट्टे वाली थैली, ये थैली च माया सी, इस करके आशुतोष फड़ रहा है, इस करके उन्हूं भेंट दी जाती है, इस करके आशुतोष फोटो खिंचवा रहा है। उधर हरदीप सिंह किंगरा ने इल्जाम लगाया कि पोस्टर तक भी बाहर तो छप के आते सन। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आम आदमी पार्टी नूं पंजाबियों ते विश्वास नहीं है। 13 इन्होंने फंड रेजिंग इवेंट किए हर पार्लीमेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के विच एक। तुसी हैरान हो जाओगे कि आम आदमी पार्टी का कोई भी पोस्टर, कोई भी झंडा, कोई भी टोपी, कोई भी मफलर पंजाब दे विच किते ना छपया ते ना बनया। ये सारे दे सारे दिल्लियों छप के आए हैं, इत्थों तक कि झंडियां दे डंडे भी दिल्लियों आए हैं, जिहड़े निक्के निक्के डंडे हुंदे आ अड्डू अड्डू 2-2 फुट दे, वह भी दिल्लियों आए हैं। तो वह दिल्ली दे विच जिहड़े डंडियां दा किराया जिहड़ा है वह डंडियां दी कीमत नालों वध है। अतबार सी पंजाब दी लीडरशिप दे उत्ते, सेंट्रल लीडरशिप नूं इन्ना अतबार सी पंजाब दे सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर दे उत्ते, अरविंद केजरीवाल नूं ते उहदे सूबेदारां नूं। सूबेदार तां लेट स्टेज ते आए है, मैं तो कहना कि सूबेदार जिहड़े है वह बेचारे एवें मूहरे मरदे ही है फौज दे, गल तां जरनैल दी हुंदी है। तो चंडीगढ़ के HS किंगरा मीडिया के मुखातिब होए, बहुत सारे खुलासे किए, तो खुलासे करने के नाल ही HS किंगरा ने पार्टी आगू हिम्मत सिंह शेरगिल नूं चेतावनी दी कि उन्होंने खिलाफ मानहानि का केस दायर करन। किंगरा ने कहा कि आने वाले वेले दे विच होर खुलासे किए जाएंगे।
ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿਲੋਨੀ ਨਾ ਉਹ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਰੰਤ ਤਾਂ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਾ। ਇਹ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਆਈਸਬਰਗ ਦੀ ਉਤਲੀ ਟੀਸੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਊਂਗਾ ਮੈਂ।